एक दिन पारो ने करी गुर आगे अरदास पृथक पृथक सिख संगता आवत है तुम पास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल लोक परलोक दे राखे दीन दुनिया दे मालक दसा पातशाहिया के आत्मक स्वरूप साहिबान साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वड्डे भाग आप गुर संगतां दे जिन्ना अपने नित दे नेम अनुसार नवे मालक धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन दर चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब विखे किरपालू मेहरवान दाता भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाने आवे भले कुल गुरु अमरदास महाराज जी दे प्यारे इतिहास नू बहुत ही अदब प्रेम सत्कार सहित आप जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरण कमलां पास गुरसंगत दे सरूप अंदर इतिहास नू सरवण कर दे जिस साध संगत विचों होना गुरमुखां प्यारियां दा मिलाप हुंदा है कि जिन्हां नू मिल करके दुरमत दा ज्ञानता दा मन मत दा विनाश हो जांदा है उन्हां गुरसिखां नू मिल के जिन्हां नू मिलकर मन दा आनंद जिस मिले है मन होए आनंद सो सतगुर कही है मन की दुबदा सब बिन सजाए हर परम पद लही है कि जिन्हां नू मिल करके आनंद स्वरूप हो जाईंदा अक्सर गुर प्यारियो ही सतगुरु परमेश्वर दा स्वरूप है कि जिस प्यारे नू मिल के मन प्रफुल्लित हो जावे गुराशी दा धारनी बन जाए ते मन दियां सारियां दुबदा दूजा भाव दुचित्ती बिनस जाए ते ए जिहड़ियां बख्शिशां ने गुर प्यारे साध संगत विच जुड़ करके प्राप्त हुंदियां ने ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆਪ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਅਸੀਸਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕੁਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਕੁਰਲਾਈ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਹਿ ਇਹ ਸਮਾਂ
परमेश्वर की इबादत दा है निरंकार जी दे चरणा विच जुड़न दा है। इस समय कौन रो रहा है? सेवादार नू भेजिया, भाई पता करो। भाई बल्लू ने पता किया ते बचन कह गुरु अमरदास सचे पातशाह एक मां दा नौजवान पुत्र अकाल चलाना कर गया है। ओ मां रोवे ना ते होर करे की। सारी विथिया दसी के की पाना वरतिया ते दसिया के तेया बुखार चढ़िया जिन्हें मौत दे घर भेज दिता उस्मान दे पुत्र। महाराज कहन लगे भाई रोवे ना सुनिया दो। परमेश्वर दा भाणा मन्ने उहदे हुकम विच इह सारी खेड वरतदी है। गुरु ते परमेश्वर समरथ ने सब कुछ करन दे तिस बेअंत बख्शिशां के गुरु अमरदास महाराज जी ने कीतियां मां दा मरिया होया पुत्र उहदे विच प्राण पए जिउंदा होया ते महाराज ने सतेइया बुखार नू कैद कीता अपने कोल ही रख लिया बच्चे दे रूप विच पिंजरे विच कैद कर लिया। सो इस तरह इहनू सख्त सजा मिली। बेअंत गुर संगतां महाराज जी दे दर्शन दीदारे करन आउंदियां ने। बहु प्रकार तो मन दा टिका प्राप्त हुंदा है। डले तो गुरसंगतां दर्शन करन आईयां जिन्हां विच भाई लालो भी आए। सतगुरु पातशाह ने डले पिंड दी सुख खैर पुछी। दो चार दिन सिख संगतां दर्शन दारे कीते। भाई लालो जी वेख के इस बच्चे नूं बहुत सजा दित्ती गई है कि कपाणा वरतिया। ते जांदे हुए भाई डले ने फिर बेनती की गुरु अमरदास महाराज नूं मैं अपने नाल ही लै जाना वा। महाराज कहन लगे भाई तेरी मर्जी कै। इहनूं इहदे कर्मां दी सजा मिली कै। ते अरजोइयां करदा सी गुरसंगत दे चरणां विच मेरा छुटकारा होवे भला होवे। आखिरकार भाई लालू अपने नाल लै गया। रस्ते विच इन्हें पाणा कोई कौतक वरताया कि मैनू भुख लगी है। ते भाई साहब कहन लगे भाई अगे नगर आवेगा उथों प्रशादा पानी जो चाहीदा आपां छक लवांगे। पर कहन लगा मेरी ओ खुराक ने मेरी खुराक मैनू मिल गई है। तुसी मैनू पिंजरे विचों आजाद करो। ते उस वक्त भाई लालो नू तरस आया आजाद किया। इनू पिंजरे विचों धोबी कपड़े धोरिया सी पल पारे इहनू जा चिमड़िया। वेखदिया ही वेखदिया धोबी नू बहुत दुख प्राप्त होया। तेने कपड़ भर के लहू दा भाई लालो को ले आंदा ते कहन लगा मेरी एक खुराक है। उस वेले भाई लालो वेख करके बहुत पै पी धोए कि मैं किस बला नू आजाद कर दिता है। ते उस वेले कहा कि तू गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल ही चल तेनू आजाद करना मेरी बहुत वड्डी भारी है भरम गलती सी। पर इने दोवें हाथ जोड़ करके रजोई कीती कि मैनू सतगुरां कोल ना ले जा। ते बचन कहे कि मेरा छुटकारा हो जाए। भाई साहब कहन लगे कि तू कोरोना लई दुखदाई बनेगा। इने बेनती कीती कि आ जो वडमुली कथा विचार है जिनू तेये दा बुखार चढ़ेगा जदों कोई ए कथा विचार सुनेगा ओदा ए ताप दूर हो जाएगा। मैं उत्थों कोहां दूर चला जावांगा।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਅਗਲੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਗੁਰਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰੋ ਨੇ ਕਰੀ, ਗੁਰ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਵਤ ਹੈ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਟਾਵੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਏ ਸੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਯਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਈ ਨਹੀਂ ਪਰਸ ਪਰ ਮਿਲਬੋ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸ ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਧਾਰੈ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਏ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਪਰਸ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਧਾਰੈ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੁੰਦਾ। ਕਹਿ ਕੀ ਕਹਿ ਸੋ ਹੈ ਨਾ ਚਿਨਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੋਣਾ, ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁੰਦੀ। ਦਰਸ ਜਾਏ ਕਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਤਪਾਕ ਬਣ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜੁੜਨ ਬੈਠਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਜਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਓ ਭਗਤ ਬੋ ਵਧੇ ਸੋਹੇਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਓ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਟਿਕਾ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਬੇ ਉਚਿਤ ਹੋਏ ਅਸ ਬਾਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਆਵੇ ਸੰਗਤ ਉਰ ਹਰ ਖਾਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਪਰਸਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਮੇਲੋ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸਭਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋ ਦੇਸ਼ਨ ਪੁਰ ਸੰਗਤ ਜੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਬ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਸੀ ਸਭਾ ਮਿਥ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜਾਏ ਬਨ ਜੈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਰਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੈਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੋ ਪਏ ਪਰ ਸਨ,
कहो बाक पारो तुम तन। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ये वचन सुन के ना भाई पारो जी दा महाराज बहुत आनंद प्रसन्न होए, बहुत मन दा टिका मिलिया। ते महाराज जी कहन लगे भाई पारो तू तन कह, तू तनता योग कह, किन्निया वड्डिया बख्शिशां ओ पहुंचियां खोईयां रूहां ने जिन्हां नूं गुरु कह रहा होवे भाई पारो तू तन। जिन्हूं गुरु तन कह दे ओ वेखो किन्नी पहुंची खोई रूह होवेगी, किन्ना उहदा मालक जी नाल प्यार होवेगा। जिहड़ा गुरु दे अंतरीब दी जानदा है कि गुरु दे अंदर की फुर रहा है। इस तरह महाराज कह लगे भाई पारो तू तन है। पर उपकार विचारन करे, जेड़ा भाई पार उपकार के भले अर्थ के जिदे नाल खलकत दा भला होवे, संसार दा भला हो सके, के जेड़ा पार उपकार वास्ते सोचदा है, भले वास्ते सोचना है, ओ तन ने जेड़े पार उपकार करदे ने। सिख अनेक मिलें इस तरह, इन्नी वड्डी ए बख्शिश वाला वचन गुरु अमरदास महाराज कहन लगे के तुसी भाई जिथे गुर सिख संगतां बहुत वड्डी भारी गिनती विच मिलना, इकट्ठियां मिलना ते बहुतियां दी कल्याणता होवे, ऐसा तुहाडे मन विच ए पार उपकार वाला भले वाला वचन आया। ते महाराज जी इस लई कह रहे सन के भाई पारो तू तन कह, के जिन्ना जिस दे मन विच गुर संगतां दे भले अर्थ ए वचन फुरिया ए। जो तुम चित वी मम चित सोए, साहब गुरु अमरदास जी ने बहुत प्यार विच वचन कहा भाई पारो जेड़ी चितवनी तेरे मन विच आई है ना सच जानी मम चित सोए, ओ वचन मेरे चित विच भी ने, के जो कुछ तू सोच रहा है ओ मेरे चित विच भी है, के इस तरह हो जाना चाहिदा भाई पारो जी जिस तरह तुसी मन विच चितवे आए। सगरे आवे दिवस बसोए, महाराज जी फिर कह लगे के फिर भाई पारो के आप जी ने भले अर्थ ए विचारे है, ते साडे मन दा भी फिर ए मन दा प्यार है, के सारे बसोए दा अर्थ हुंदा है विसाखी, के जदों विसाखी दा पुरब होवे विसाख महीने विच ए सारियां गुरसंगतां जिहड़ियां ने ना फिर सारे इकत्र कौन इस पुरब नूं मनाया जाए, सारे इस पुरब नूं मुख रखदिआं जुड़ना। सब सिखन को लिखो पठावो, ते फिर होनी तुसी परवाने जिहड़े हुक्मनामे ने ना ओ भाई महाराज जी कहन लगे भाई गुरसंगतां तीकर हुक्मनामे भेजे जान के भले वाला कारजे ते भले अर्थ सारे गुरसिखां नूं परवाने भेजे जान। गुर दर्शन को इकट्ठे आवो, भाई कोई अगड़ पिछड़ ना आवे, सरबत गुरसंगतां गुरसिख विसाखी दे पुरब नूं ना गुरु दर्शना वास्ते सारे संगत दे रूप विच आउण। तब पारो ने लिख परवाने, उस वक्त फिर भाई पारो जी ने ना गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा हुक्म मन्निया ते हुक्मनामा उस वेले लिखिया, भाव के जेड़े परवाने
दूर दुराडे गुरसंगतां नूं देशां विदेशां विच भेजण लगे। पठे पूरन जै जै सिख जाने, जिथे जिथे गुरसिख गुरु नानक नाम लेवा सिखां दा वासा रहन बसेरा कर रहे ने, उथे उथे ए परवाने भेजे गए। सुनत हुकम नामा गुर केरा, ए गुरु दा आवाजा सुन के ना जिदे भी कन्ना विच आवाज पई के गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने बुलाया है। गुरु दा हुकम है, जिदे भी कन्ना विच आवाज पई जिन्ने ए हुकम ना सुन लिया, सुनदया सार ए गुरु का हुक्मनामा। सिखन के चित चाओ कनेरा, गुर सिखां दे मन विच ना बहुत प्यारा प्यार जागया के जदों गुरु बुलांदा सी ना ते गुर सिख उस वेले वखीरा घत के पहुंचदे सन, ते ए मन अंदर प्यार हुंदा सी के दे नाल गुरु दी खुशी मिलेगी के गुरु ने बुलाया ते जो गुरु आखदा जो गुरु सानू आखे ओ भला है। इस तरह गुरु दी खुशी लैण वास्ते सब गुरसिखां दे मन विच बहुत भारी प्यार जागिया। रहे उडीकत पुन सब कोए, हुण पता लग गया के गुरु अमरदास महाराज जी विसाखी दे पुरब ते याद कीता गुरसंगतां नूं गुरसिखां नूं, ते उस समय दी हुण गुरसिख उडीक करन लगे के जदों भाई ए विसाखी दा पुरब आवेगा। पहुंचे गुर टिग दिवस बसोए, उस दिन फिर असी सरबत गुर संगतां इकट्ठ दे रूप विच महाराज गुरु अमरदास महाराज जी दे पावन नगरी गोविंदवाल साहिब पहुंचांगे। इस तरह गुरसिख ओ समय नूं उडीकन लगे के विसाखी दे पुरब नूं महाराज जी दे दर्शन करांगे। दिन प्रत वधत रहत बढ़ पाओ, ते जदों कोई दिन मिथ लिया जाए ना ते ओ दिन फिर पल भर विच नेड़े आ जांदा। जदों कोई तरीक मिथ लई जाए ओदा पता नहीं लगदा दिनां दा के पल भर विच ओ दिन लंघ जांदे ने। इस तरह होने विसाखी दा पुरब मिथ लिया गया ते बहुत प्यार सहित जिवें दिन वधदे जांदे ने भाव ओ दिन नेड़े आउंदा जांदा, कै दिन प्रति दिन साध संगत दे मन विच प्यार जिहड़ा ना ओ वधदा जांदा है कि गुरु अमरदास महाराज जी दी नगरी दे दर्शन होणगे, सानू गुरु अमरदास जी दे दर्शन होणगे। इस तरह मन ही मन जेड़ा प्यार है ना अंदर प्रेमा भगती उछाले मार दी है, वो प्रेमा भगती गुरु प्रति वादी कह के किन्ने साडे वड्डे भाग ने के सानू गुरु अमरदास महाराज पिता जी दे दर्शन होणगे। गुर दर्शन को चौगुण चाओ, बहुत चौगुणा चार गुणा अंदर जेड़ा प्यार है ना गुरसिखां दे मन अंदर ओ प्यार वध्या है कि बहुत प्यार, ते ऐसा प्यार होना चाहीदा है जे हुण वी भले अर्थ श्री अकाल तख्त साहिब जी तो हुक्मनामा जारी हुंदा है जो गुरु की आवाज आउंदी उहनूं गुरसिख बहुत प्यार दे नाल मनदे ने क्योंकि उहदे विच भला हुंदा है। सारी खलकत दे भले अर्थ ओ बचन ओ आवाज धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे दर तो आउंदी है। इस लई भाई हुण इस तरह कृपालू दाता मेहरबान दाता जी दे दर्शन दिदारियां वास्ते बहुत प्यार जेड़ा ना ओ अंदर गुरसंगतां दे वधिया कै। बीती ससुर बसंत प्रकाशा, सो इस तरह ए जेड़ा समा है ना जो गर्मी रुत दा ए हुण इस तरह पतझड़ रुत जड़ी ए
ए समा कुण ए रुत लंगी क सुमन सुबन उप बने विकासा इस तरह कुण बहु प्यार सहत ए पत चढ़दी रुत लंग करके अगे बहु फुला वा चार सुपेरे फुला बगीचिया विच बहु भारी फुल खिड़े ने बहु प्यारी रुत आई कोती उसन न शीतल ताई हुण ए समा इस तरह दा कह ना ते बहुती गर्मी कह ते ना बहुती सर्दी कह बहु ठंडी ठंडी रुत बहु प्यार वाली ए रुत एनू कह लो के जिवें बसंत रुत चढ़ी कोवे इस तरह ना बहुती गर्मी कह ते ना बहुती सर्दी कह शीतलता वर्त रही कै चलन पंथ को है सुखदाई ते इस समय फिर चलना पंथ दा अर्थ हुंदा है मार्ग रस्ते ते चलना बहुत ही सुखाला हुंदा कै ते ऐसा समा जिथे गुरसिखां दे भले अर्थ के गुरसिखां नूं साध संगत नूं कोई तकलीफ किसे तरह दा दुख ना पहुंचे क्योंकि बहु लम्मा सफर दूर दुराडे तो गुरसंगतां ने कई कई दिन लग जांदे सन गुरु तीकर पहुंचन लग्या ते महाराज फिर वो भले अर्थ ऐसा समा नियत कीता कि गुरसिख गुरसंगतां नूं आउंदियां कोई दुख तकलीफ रस्ते विच ना पहुंचे सो इस तरह सुखदाई गुरसंगतां पहुंचन जय जय सतगुर के सिख ब्रिंदे जिथे जिथे भी गुरसिख गुरु नानक नाम लेवा गुरसंगतां दा रैन बसेरा ए दर्शन को उमगे आनंदे हर एक दे मन विच ए प्यार जागया कै ते ओ गुरु प्यारियो हलकारे भी धनता योग ने जेड़े ए हुक्मनामे लै करके गुरसंगतां तीकर पहुंचदे ने उहनां दा जीवन भी धनता योग कै कि सिख संगतां नूं गुरु कीआं प्यारियां संगतां नूं प्रेर करके लियाउणा हुण सरबत गुरसंगतां दे मन विच प्यार जागिआ कै आनंद नाल जीवन भरपूर कै बंदे टोल संगता आई ते हर गुरु नानक नाम लेवा सिख जेड़ा ना बहुत वड्डी भारी गिनती दे विच बहुत वड्डे वड्डे टोले बना करके महाराज जी दे चरणा वल आउन लगे चौं दिश ते वस्तु गन लियाई ते चौं तरफा तो फिर जो अपनियां पेटावां ने ना जो दसवंद कह लो के जो गुरु अर्थ गुरसिखां ने कढ़िया हुंदा ते प्यार हुंदा गुरसिखां दा के ओ गुरु चरणा विच पहुंच जाए भले अर्थ लग जाए इस लई भाई ए जेड़ा सुख है ना सानू मानना चाहिदा जिस तरह घाइया सिख पूरे गुरु दे चरणा विच अपनी भेटा रखदा बादशाह जहांगीर दे कोलों अपनी धन भेटा चुक लैंदा एक टका ओ भावे एक टका घाइए सिख दा पर ओदे मन अंदर प्यार है कि ए सच्चे पातशाह दे चरणा विच पहुंच जाए ते गुरसिख अपनी श्रद्धा भावना वाली दसा नौवां दी कमाई गुरु चरणा विच अर्पण करके एक वचन मंगदा गुरु कोलों कि महाराज कृपा करो मेरा लोक ते परलोक सुखेला कर दो मैं सुखी हो जावां इसलिए भाई अपनी धन भेटा जेड़ी है ना ओनू भले अर्थ इस तरह गुरु नू समर्पित करो कि ओ साडिया अखां दे सामने गुरु अर्थ खर्च हो जावे भले अर्थ ओ माया लग जाए इस तरह गुरसिख संगतां अपने नाल अपनियां धन भेटावां लै के पहुंचदे खन आन सबन गुर दर्शन हेरा मेला मिल कै पयो बडेरा सरबत गुर संगतां आ करके धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे दर्शन दीदारे कीते ते इस तरह बहुत वड्डा भावे मेला जेड़ा ना
ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸੁਪੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਥਾ ਚਕੋਰ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚਕੋਰ ਵੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਪਤ ਦਰਸਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਕਹਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੋ ਪੀਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਦਰਸੇ ਵਾਰ ਨ ਪਾਵੇ ਤੀਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਕੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੇ ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕੋਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਇਨ ਪਾਸ ਉਪਾਇਨ ਧਰ ਧਰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵੇ ਜਾਏ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਏ। ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਦੇਗ ਕਿਉ ਲਾਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਾਣ ਆਵੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈਐ, ਇਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ
ते जदों आप हुक्मनामे दे दर्शन करोगे आके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेकोगे ते सेवा हुक्मनामे दे दर्शन करदिआं गुर चरणा विच सीस निवाउंदिआं ही सानू सेवा प्राप्त हो जाएगी। इस करके जिथे जिथे भी सेवा सिखा नूं मिलदी उथे सरबत संगतां लग रहीआं ने। केतक नीर आन बो करई ते कईआं नूं ऐसा प्यार जागिआ कि भाई जल चाहीदा, गुर संगतां दूर दुराडे तों आईआं ने ते कोई गागरां भर के कोई बाल्टियां भर के जो भी मिलिआ ओ इस तरह जल दी सेवा गुरसिख करन लगे। संगत को सेवै हित धरही ते जे भाई गुरु दी खुशी लैनी है ना ते अपने मन नूं ना गुर संगतां दी सेवा विच ला दो। इस तरह गुरसिख जेड़े ने ना गुर संगतां दी सेवा विच लगे ने। महा कोलाहल मेला होआ बहुत ही आनंददाई सुख बनिया। एक आम आपां ए धारणा कह लो सारियां विच वरत रही है जे सिख सिख नूं ना मारे ए कौम कदे भी ना खारे। के जे किते आ अंदरली वैर भावना द्वैता ईरखा खत्म हो जाए सिख नूं मिल करके दूर तों के जिन्हें कलगीधर पातशाह महाराज जी दा बाणा पाया है पंजा प्यारियां ने कलगीधर पातशाह ने ए वर्दी बख्शी कै ते सिख दे दर्शन करदिआं गुरु गोबिंद सिंह महाराज याद आ जान ते वेखो प्यारियो फिर चढ़दी कला कोवे। इस लई आ जिहड़ियां वटां बणियां होईआं ने ना इन्हां वटां नूं ढा देना चाहीदा कै अंदर प्यार होना चाहीदा। इस तरह बहुत प्यार नाल महाराज ने इह जिहड़े पुरब बनाए ने इन्हां पुरबां तों भाई सुख लैणा चाहीदा है गुरसिखां तों वारने बलिखारने जाना चाहीदा है। हरखत संगत दीरग जोआ इस तरह जेड़ा खुशी नाल महाराज जी आखदे ने ना संगत विच मिलदा है गुरसिखां नूं मिलदा है ते दीरग बहुत वड्डा जेड़ा सुख है ना ओ प्राप्त हुंदा है। करे परस पर पाओ विशाला ते अपना जीवन बनाओ भाई जिन्ना परस पर अंदर प्यार बने ना अंदर प्रेम बने ओना ही घटक है। ऐसिया गुरसिखां दी अरदास आपां रोजाना करने हां सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे ये पंथ दी अरदास है। पंथ ने बाणी उचारण कीती ते ओना गुर संगतां दी अरदासां बेनतियां हुंदियां ने महाराज जी ऐसे गुरसिखां नूं वेख वेख के प्यार भावना गुर संगत दा वधदा ए। उचरे मिल गुर को जस जाला ते जदों भी गुरसिख मिले ना ते ओना ने ना गुरु दी ही महिमा वडियाई कीती। वचन कह गुरु अमरदास महाराज सचे पातशाह तनता योग ने ए बिरद बाबा तनता योग कह आप ही धन निकल जांदा सी के बजुर्गी समा आ गया बिरद अवस्था आ गई ते बिरद उम्र विच एडे वड्डे भाग लगे इनिया वड्याईया अपने आप गुर संगतां गुरु अमरदास महाराज जी तो वारने बलकारने जांदे ने। जिथे भी गुरसिखा ने मिलना ते मेरे तन गुरु अमरदास महाराज जी दी महिमा विच लग जाना। अत आनंद संगत मैं होए सुख मेले को ले सब कोए। बहुत भारी जेड़ा है ना इस पुरब ते गुर संगतां नूं आनंद प्राप्त होया इन्ना भारी आनंद प्राप्त होया कि जिन्हां नूं आपां बयान नहीं कर सकते इन्ना भारी सारे ना सुख मान रहे ने ते मन ही मन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा कोटान कोट धन्नवाद कर रहे ने शुक्र मना रहे ने कि महाराज सच्चे पातशाह जी
तुसी तन हो। कितक समो बीतियो जब जाने हो। जदों इस तरह काफी समा ना बतीत हो गया, गोइंदवाल साहब सचे पातशाह महाराज गुरु की नगरी दे सुख मानदे आ, इस विसाखी दे पुरब दा आनंद मानदे आ कोया। इस तरह जदों कुछ समा बतीत होया, श्री सत गुर कृपाल बखानियो, धन गुरु अमरदास महाराज सचे पातशाह जी ने ना उस वक्त बचन कहे, रामदास को चिर बो होआ। ते महाराज कह रहे सन के गुरु रामदास सची सरकार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਕਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਾਂ ਗਇਓ ਹਮ ਨਿਕਟ ਨ ਜੋਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੰਨ। ਸੇਵਕ ਬੱਲੂ कयो सुनाए, संगत की बो सेव कमाए। भाई बल्लू जी ना गुरु अमरदास सचे पातशाह महाराज जी नु कह लगे के कृपालु दाता मेहरवान दाता जी सची सरकार रामदास पातशाह ओ महाराज जी संगत दी सेवा विच लगे ने, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੀਤਲ ਜਲ ਕੋ ਭਰ ਭਰ ਲਿਆਵੇ, ਬੂਜ ਬੂਜ संगत को प्यावे। ओ शीतल ठंडा जल भर के ल्यांदे ने ते बहु प्यार दे नाल ना संगतां नूं पुछदे ने के गुरसिखो ए जल छक लो, बहु प्यार नाल पुछ पुछ के गुर संगतां नूं ठंडा जल छकांदे ने। वायु कर तो उष्ण बोहेर, ते फिर वेख लैंदे ने के जे गर्मी कै ते अपने हाथ विच पखा लै लेना, ते प्यार विच जुड़ करके साध संगत नू ना पखा चलना, ओ तपश गर्मी नू दूर करना, बहु प्यार विच जल दी सेवा ते फिर पखा चलन दी सेवा सची सरकार करदे ने। सब संगत को खुशी करंता, ते सारियां संगतां दी जड़ी खुशी है ना ओ रामदास महाराज सचे पातशाह जी ना लै रहे ने। भाई बल्लू जी आखदे संगतां दी खुशी, गुर संगत दी खुशी के जिदे नाल संगत दी खुशी मिल जाए, गुर संगत त्रुट पै, महाराज गुरु अमरदास सचे पातशाह जी ओ गुर संगत दी खुशी लै रहे ने। इते उत फिर कैसे व बुझंता, ओ इधर उधर होकर के ना चार छपेरे वेखदे ने के महाराज जी दे दर ते संगतां आईयां ने, ते संगत नू सुख मिल जाए, ओ अपना नहीं वेखदे के मेनू सुख मिल जाए। इस लई भाई साहब तो पहला ना गुरसंगतां दा ध्यान रखना चाहीदा है। गुरसिखां नूं वेखो, साध संगत दे भले अर्थ सोचो कि जिहड़ा भाई महाराज जी दे दर ते, गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे दर ते राहगीर आया है, दूर तो चल करके आया, उस प्यारे तो वारने बलकारने जाना चाहीदा है। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਕੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ, ਸੋਹਣਾ ਅਸਥਾਨ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਚੁਪੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤ ਗੁਰ
अमर प्रसन्न कयो के राम दास है धन। भाई बलू तो सुन के ना गुरु अमरदास महाराज वचन कह के भाई बलू गुरु रामदास सची सरकार धनता योग ने, ए धन ने जेड़े इस तरह सेवादार जेड़े सिख गुरु कियां संगतां दी सेवा विच लग जांदे ने, ओ धन ने उना दा आउना धनता योग है जेड़े साध संगत दी सेवा विच लगे ने। जिन संगत की सेवा करी हमरे हित इम प्रीति तरी। महाराज आखदे जिन्हें संगतां दी सेवा कर ली ना उन्हें साडे विच अपनी प्रीत बनाई है, ओदा प्यार मेरे नाल बनया। गुरु अमरदास जी आखदे जेड़ा गुरु नानक साहब जी दियां संगतां नूं गुरु नानक साहब जी दी फुलवाड़ी नूं प्यार करदा है ओदी प्रीत मेरे विच कै, ओ मेरे नाल प्यार करदा है, ओ मेरे नाल मनो तनो जुड़िया है। दुर्लभ पदार्थ होए न कोए नौ निद सिद पाए है सोए। कृपालु दाता जी आखदे कोई दुनिया दा दुर्लभ पदार्थ ऐसा नहीं कि जेड़ा प्राप्त ना होवे, कि जेड़ा बंदा अपने आप नू साध संगत दी सेवा विच ला दे दुनिया दा हर दुर्लभ खजाना उस प्यारे नू प्राप्त हो जांदा है जेड़ा सेवा विच लग जांदा है। जो नर मम संगत को सेवे हलत पलत में शुभ फल लेवे। महाराज कृपा कर रहे ने के जेड़ा मेरी संगत दी सेवा करदा कै के साध संगत विच जुड़िया है संगत कर लिया है किसे अर्थ अपने मन नूं सेवा विच लाया ओ भाई दुनिया दा सब तो वड्डा सर्वोत्तम ओ जानक है ओदे वर्गा ते दुनिया ते कोई नहीं। मोर महात्म जेतक है रामदास जाने फल लह। कृपालु दाता जी ने वचन कह के जिन्ना कु मेरा महात्म है जिड्डी वड्डी मेरी वड्याई है ओ गुरु रामदास सचे पातशाह जी जानदे ने, ओ साध संगत दी सेवा करके ना ओडा वड्डा महात्म ओ जस ओ साध संगत विचों खट रहे ने। श्री अकाल। दोए लोकन में जो पद ऊंचे रामदास तै जाए पहुंचे। इन्हां दो लोकां दे विच जेड़े सब तो उच्चे पद ने ना गुरु अमरदास कृपालु दाता जी तुठे ओना उस पद दी परम अवस्था दी सची सरकार नू प्राप्ति होवेगी। जग में प्रगट प्रकाश करेंगे इस पीछे सिख बृंद तरेंगे। जग दे विच सचे सतगुरु जी प्रकाश होवेगा जस दा प्रकाश करनगे ते जेड़े इन्हां दे चरणां नाल जुड़ जानगे ओ सिख ओ गुर संगतां तरन वालियां बन जानगियां। इत्यादक बो जस को कहेओ एह लायक सतगुर ने लहेओ। ऐसा जेड़ा जस कहना ओ मेरे सच्चे पातशाह गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने कीता के बहु वड्डी महान ए पंथ दी सेवा करनगे सो इन्ना भारी जस मेरे सचे पातशाह धन गुरु रामदास सची सरकार दा कीता
सो बहुत वड्डियां बख्शिशां ए पुरब दा विसाखी दा ए पावन पुरब विसाखी दा गोविंदवाल साहब मनाया गया ते बहुत प्रकार तो संगतां नूं सुख मिलिया पर बहुतियां नूं सुख नहीं मिलिया। कई इरखालू लोग भी ने, अग्ञानी लोग भी ने, होर भी वर्णां दे लोग ने, उन्होंने वेख करके गुरसंगतां नूं सुख मिल रहा है पर इरखालू लोग जेड़े ने ना दुवली विचार वाले उन्होंने ये चंगा नहीं लगा। वो किस तरह समय के हुक्मरान को शिकायतां करते ने, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के खिलाफ जहर उगलते ने। वो प्रकरण आप जी कल दे विचार अंदर प्रकरण अंदर सरवण करोगे। इन्ने कु मेरा भरे बचन प्रवान करने गुर इतिहास नू।